Ciao. Okay, bye. Bye. Wow. Ready? Yeah. Go. Oh, wow. Oh my God. दूसरा दिन दूसरा अटेम्प्ट, आज हम गाड़ी लेकर ही नहीं आए। हमने सोचा क्या फालतू में पार्किंग की जगह ढूंढेंगे, तो हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनेक्शन लिया। यहाँ से ट्रेन लेंगे इंटरलाकिंग टू लौटोग्रोन, वहाँ से एक केबल कार लेंगे और वहाँ से एक और ट्रेन लेंगे मिरन तक पहुँचने के लिए। ये रही मिरन जाने की केबल कार। पता नहीं इतने लोग कैसे फिट हो रहे हैं इस एक केबल कार के अंदर। जब भीड़ देखी थी हमें लग नहीं रहा था कि ये सब लोग इस एक डब्बे में फिट हो पाएंगे। ऐसी जगहों पे मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देख सकते हैं कितनी भीड़ है। हम बेसिक रूल ये फॉलो करते हैं कि जब भी कोई क्लोज स्पेस के अंदर हो तब मास्क पहनना चाहिए। तो स्वागत है मिरन में, फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो कल मैंने आपसे कहा था कि ये जो मिरन टाउन है ये कार फ्री टाउन है। ये टेक्निकली सही है, लेकिन पीछे देखिए एक ट्रक खड़ा हुआ है। तो जो लोग यहाँ रहते हैं उनके पास गाड़ियाँ नहीं, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने गाड़ी यूज़ कर रखी है और कुछ होटल्स अभी भी यहाँ पर गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बाहर के लोगों के लिए गाड़ी अलाउड नहीं है। बिल्कुल ही पहाड़ियों के बीच में है ये टाउन। यहाँ से व्यू देखो दोस्तों। ये देखो दोस्तों क्या व्यू है, यहाँ से हम खाना खा रहे हैं। गुड, वेरी गुड। ओके, तो खाना खा के पेट भर लिया अपना, ज्यादा ही भर लिया है क्योंकि अभी माउंटेन क्लाइंबिंग करते वक्त जरूरत पड़ेगी, कैलोरीज बहुत बर्न होने वाली है। तो ये जो माउंटेन क्लाइंबिंग हम करने वाले हैं काफ़ी स्पेशल है। इट्स कॉल्ड विया फेराटा। यस। एंड व्हाट डज विया फेराटा मीन? इट्स इटालियन एंड इट मींस समथिंग लाइक आयरन रोड और आयरन स्ट्रीट, बिकॉज़ देयर इज सम आयरन रॉड्स इन द स्टोन्स ऑफ द माउंटेन, सो दैट विद अ हार्नेस एंड अ रोप फॉर सिक्योरिटी यू कैन बेसिकली क्लाइंब ऑन दिस माउंटेन सेफली। अभी रियल लाइफ एग्जांपल आप थोड़ी देर में देखेंगे। Off the rock wall a little bit through the forest to the Mittelwald, where the next station is of the cable car. Uh-huh. Okay, then this is the start. I'm scared of the flying fox. Sunglasses, probably put them down, and the last one, please close the door. Put your kala chashma down. Wow, this looks crazy. I can barely see where we are. Yeah, it's like the dark dining that we did. Yeah. Ouch. Even my head hit somewhere. There's always gonna be cables like this. That's where you want to attach yourself with your carabiners. So you just put it in your hand, you squeeze from both sides, then it opens, then you can hook it on. Same with the other one. The basic condition is ye ki ek bar ek ek karke karna hai. Is this the most popular Via Ferrata here? Yes, I would say so. Yeah. Is it because of the access is really easy? Yeah. And it's not a very difficult one, and it's very scenic. Yeah. So here the easiest probably is almost walking sideways like this. Yeah, you need to swap the carabiner clamp. You can still use them there. Yeah, yeah. Long arms. Yeah. And now it's a big jet fan. Okay. My legs are also.
नॉर्मल रॉक क्लाइंबिंग में क्या है कि आप कभी भी पहाड़ी के एज पे क्लाइंब नहीं करोगे क्योंकि काफ़ी डेंजरस है, बड़ी आसानी से स्लिप कर गए तो पूरा नीचे गिर जाओगे। लेकिन यही फ़ायदा होता है विया फेराटा का कि हम सिक्योर हैं सेफ्टी की वजह से, तो हम ऐसी डेंजरस जगह पर जा सकते हैं, एजेस पे जा सकते हैं। There is. Oh. Oh wow, that's very close to us. भाई, तो दोनों ज़्यादा ले ले लेकिन लैंड कराते। That's two people. How do you know that? I have four legs. Yes, you guys see, if you keep going a little bit, we can stop after this video. Okay. Mm-hmm. Can you go a bit more? That's okay. यहाँ पत्थरों पे चल के दो चीज़ों की याद आती है मुझे। पहला तो है वो लक्ष्य मूवी का सीन जिसमें ऋतिक रोशन पहाड़ी चढ़ रहा था और फिर ऐसी पहाड़ी चढ़कर ही बिल्कुल वैसी कड़ी ढलान थी जैसे वहाँ देख सकते हो, और दूसरा मुझे वो मूवी याद आती है इश्क मूवी जहाँ पे आमिर खान उस रोप ब्रिज पे चल रहा था और कह रहा था मरा 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 के फाइनली देयर इज अ प्लेटफॉर्म हियर। But can you hold there for a while? It looks epic. Content. 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 Are these pillars trustable? Because they look very loose to me. You think? Look at this. This is moving up and down. That's fine though. It's good if it bends a little bit. oh my god. Below me you can see everything. So when you're here, you can use one hand on the rope and one on these. It's your right hand on the bars. Okay, because the rope is now slippery here because of the water. It is. Oh my god. Wow. Pass me. Should I go past you? Yep, you can come past me. Okay. Slip here. Mm-hmm. First go. No, over the top. Over the top. Mm-hmm. Over the top. Yeah. Yeah, so here it's all dry again, so yeah. It's all good. Just keep following along. Okay. You okay? Yeah. Yeah. I'm scared. You're doing great. Well, now we are really going on to the edge. Oh, damn, this is such a straight fall. Step down and then clip. Oh wow. रास्ते में चलते चलते देखिए हमें क्या मिला। बेस जंपिंग का प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, ये इंसान बेस जंपिंग करेगा। अभी देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस लिख रखी हैं बेस जंपिंग करने के लिए, एब्सोल्युटली नो जंपिंग बिटवीन 9 AM एंड 2 PM क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ता है। Ken, here's your squirrel suit. Squirrel suit? The squirrel suit is here. How many times have you done it? Like today or at all? Ever. 500 base, the same skydiving, 1,000. Oh, 1,000 times? But today I'm also gonna do like 5, 6. Oh, wow. Wow. How many seconds does it take until you open the parachute? Well, in wingsuit, like 20. 20 seconds? That's still a lot. Yeah, I would have expected like something. 2-3 seconds. Maybe he's got like space for a passenger somewhere. he's expecting snow, huh, in the air with the goggles. You're expecting snow. Snow? Actually, was snow yesterday there. Have you seen? Really? There was snow there. Oh. I'm getting nervous on his behalf. Yeah, right. You have two GoPros, one for the back. Yeah, I'm training for a competition, so I have to see body position and the arms, yeah. Which competition? And I have a GPS here. It's your locals. Okay, have a good day, guys.
Hey, ciao. Okay, bye. Bye. Wow. Ready? Yeah. Go. Oh, wow. Oh, my gosh. Where did he go? I don't see him. Gone. Wait. Oh, wow. Now I see him. I see him. Looks like a flying squirrel. That's what it's called. Yeah. Oh, that was not 20 seconds. He lied about the 20 seconds. He estimated. He's peanut butter and jealous. Don't be stupid. Now it's a free fall from here. Okay, don't think no, no wonder the base jumping okay. Starts here. Here, look at the rock and don't try step on the wet rock. The wet rock is slippery. Looks okay. Looks okay.